एक बार फिर दिखेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन सकता है गवाह। एशिया कप 2023 को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बहस जारी है। जहां अभी तक एशिया कप कहां खेला जाएगा इसका फैसला नहीं लिया गया है, तो वहीं आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का भारत में इस साल होना कंफर्म है। हाल ही में विश्व कप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अहमदाबाद के वेन्यू पर मोहर लगा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे विश्व कप के मुकाबले की मेजबानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को सौंपने का विचार कर रहा है। देश के सबसे बड़े स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की क्षमता करीब 1 लाख है और बीसीसीआई आईपीएल के बाद जल्द ही विश्व कप का शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के 2 मैच खेले जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान ज्यादातर मैच चेन्नई और बेंगलोर में खेलेगा। बता दें कि विश्व कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से शुरू हो सकता है, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मैच नवंबर में खेला जाएगा। इस महामुकाबले टूर्नामेंट के लिए 12 वेन्यू शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिसमें नागपुर, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, राजकोट, इंदौर, बेंगलुरु और धर्मशाला शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी वनडे मैच विश्व कप साल 2019 में खेला गया था। इस दौरान भारत ने मुकाबले में तकबत लुइस नियम से 89 रनों से जीत दर्ज की थी। मैच में टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी करते हुए 336 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान 40 ओवरों में सिर्फ 212 रन ही बना पाया था। उन्हें बारिश की वजह से 302 रनों का लक्ष्य दिया गया। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 140 रनों की शतकीय पारी खेली थी।